ट्रक में जिंदा जले ड्राइवर और क्लीनर, टायर फटने से पलटा, कैबिन में फंसने से जिंदा जली, हरियाणा जा रहा था ट्रक। शिवपुरी में खोबत घाटी पर एक ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकालने का समय तक नहीं मिला, वे दोनों जिंदा जल गए। ट्रक में प्याज लेकर कर्नाटक के बीजापुर से हरियाणा के फरीदाबाद जा रहा था। घटना मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। टायर फट जाने से ट्रक पलट गया। ड्राइवर रिजवान अंसारी उम्र 32 साल और क्लीनर मोनू बड़क उम्र 32 साल कैबिन में फंस गए। दोनों घायल हो गए, वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी आग भभक गई। मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दोनों शव बुरी तरीके से जल गए हैं। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और एसपी अमन सिंह राठौर ने मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ट्रक राजस्थान की मांगे राम का था, रिजवान हरियाणा के मेवात और मोनू बड़क छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। सर, ये ट्रक में आग लगी है, बताया गया है कि 2 लोगों की भी मौत हुई, कैसी क्या घटना? जी सर, ये 8:30 बजे की घटना है सर। ट्रक का जो टायर है अगला, उसके फटने से ये ट्रक पलट गया, तो उसमें चिंगारी निकलने से उसमें आग लग गई। तो उसमें जो ड्राइवर थे, एक रिजवान करके है ड्राइवर है और सर कंडक्टर है मोनू, तो उन दोनों की सर इसमें फंसने से जल गए सर, मौके पर मृत्यु हो गई सर उसमें, और दोनों को सर पहुंचा दिया गया पीएम के लिए जिला चिकित्सालय के लिए।